नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स हो ना आप नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या? नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड मोड इक्वल टू जीरो। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कह दीजिए या मॉडुलस कह दीजिए या डिटरमिनेंट वैल्यू कह दीजिए वो जीरो हो तो ए जो होगी वो आपकी सिंगुलर या नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो। ठीक, तो नॉन इनवर्टिबल के लिए क्या केस है? मॉडुलस जो है यानी कि उसका एक्सपेंशन या उसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। एग्जांपल लगाते हैं, इफ ए इक्वल टू के 542 इज एन सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड के। मुझसे कहा गया ए सिंगुलर मैट्रिक्स है और के की वैल्यू आप बताइए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का कांसेप्ट होता है मॉडुलस जीरो होना चाहिए। मैंने इसको डिटरमिनेंट को जीरो रख दिया यानी कि मैग्नीट्यूड उसका क्या रखना है? इसको जीरो रखना है। डिटरमिनेंट क्या रखना है? जीरो रखना है। जीरो रखूंगा तो देखो ये मल्टीप्लाई जाएगा 2k-20 इक्वल टू जीरो। 2k-20 इक्वल टू जीरो तो k की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा a इक्वल टू 3, 2, -1, 4, λ1, 2, 0, 3। ये 3/3 की है। इसकी है ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। will be a non-invertible matrix. तो non-invertible matrix और singular तो एक ही condition थी। तो modulus क्या रखना है मेरे को इसको? Determinant क्या रखना है इसका? Zero रखना है। मैंने determinant zero रखा। इसके बाद expansion पे जाते हैं। three बार ये multiply जाएगा, फिर minus two लेंगे, फिर ये product जाने वाला है, फिर last में minus one लेंगे और 4, 0 और lambda 2 के साथ जाएगा। ये मेरा आ गया। यहाँ पर मैंने simplify करना है। 9 lambda और यहाँ से क्या बचेगा? 10, 10, 2 मल्टीप्लाई में जाएंगे। यहां से कौन आएगा? प्लस का 2 लैम्डा आने वाला है। 9 लैम्डा और 2 लैम्डा क्या हो गए? 11 लैम्डा हो गए और ये कितना हुआ? 20। लेकिन -20 इधर जाएगा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर यहां पर लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? 20/11। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल पर मूव करते हैं। ये एग्जांपल क्या है? इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड एम। और ए मेरे को इस तरह से उसने 3/3 ऑर्डर यहां पर दे दिया है क्योंकि ये क्या होनी चाहिए हमेशा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फॉर सिंगुलर मॉडल से जीरो होता है यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होती है। मैंने डिटरमिनेंट लगाया और इक्वल टू जीरो। देखो ये आपके ऐसे जो साइन है ना ये मैट्रिक्स के हैं और सीधे ऐसे मैंने कर दिए लाइनें। ये मेरा डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट है। अब मैं एक्सपेंशन करूंगा, 1 बाहर ये प्रोडक्ट जाएगा, फिर -2 बाहर, फिर ये आपका देखो ये दोनों प्रोडक्ट और ये जाने वाला है, फिर लास्ट में m+2 बाहर प्लस साइन लेते हुए और ये प्रोडक्ट जाएगा। मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं। ये देखिए यार 40-40, फिर ये -2 बाहर था, ये 20 हो गया था, -24 प्लस m+2 और ये 10-12। अब इसको सिंपल बनाते हैं तो 0 हो जाएगा। यहां पे आपका अंदर से आने वाला -4 और -2 बाहर है तो प्लस का 8 हुआ। ये -2 मिलेगा और इसका प्रोडक्ट इन दोनों से गया तो -2 में -4 हो गया। अब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहां से प्लस का 4 मिलने वाला है और ये क्या है? 2m। जब मैं 2m को लिखूंगा तो अंदर जाकर के वो 4 हो जाएगा माइनस का और माइनस दोनों तरफ से कैंसिल भी हो जाएंगे। 2 से डिवाइड कर दूंगा कितना मिला? m = 2। तो मेरे को जो रिजल्ट मिला है वो m = 2 मिला है। ओके स्टूडेंट्स,